हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोहित सेमवाल। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो है प्रोडक्ट अपलोड के ऊपर। जैसे कि आपने देखा, हमारी पहले वीडियो आ चुकी है कैसे मार्केट से कैटलॉग प्रिपेयर करना है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि नया प्रोडक्ट कैसे अपलोड कर सकते हैं, और जिन लोगों के पास OEM ऑथराइजेशन नहीं है या फिर जिनके OEM जेम पे अवेलेबल नहीं है और उनके प्रोडक्ट्स क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 में है, तो वो कैसे वो प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं जेम पे, और कैसे विदाउट ऑथराइजेशन वो प्रोडक्ट नया प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं जेम पे, और जिनके पास कोई ब्रांड नहीं है, कोई OEM नहीं है, तो वो लोग जेम पे कैसे काम करें, कैसे वो अनब्रांडेड करके अपने प्रोडक्ट्स अपलोड करें जेम पे, वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। एक जो तरीका है प्रोडक्ट अपलोड करने का वो पेयरिंग का है। उसके लिए हमारी ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है, जिसने नहीं देखी है वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। और आज हम सीखेंगे कि जो आप देखते हैं कि जिन प्रोडक्ट्स को आप पेयर करते हैं तो वो भी किसी ना किसी ने अपलोड कर रखे होते हैं, तो उन प्रोडक्टों को कैसे अपलोड करना है, तो आज की वीडियो में हम वो सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैंने लॉगिन कर लिया है अपनी जेम प्रोफाइल पे। तो हम लोग सीखने वाले हैं कि मार्केट में फ्रेश प्रोडक्ट आप कैसे अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि हमारी आपकी जो लास्ट वीडियो हमारी आ चुकी है कैटलॉग बनाने से रिलेटेड, जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि कैसे आप कैटलॉग प्रिपेयर कर सकते हैं पेयरिंग करके, मार्केट में जो अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे आप क्लोन करके पेयर करके अपना कैटलॉग बना सकते हैं। बट आप जो कैटलॉग पेयर करते हैं, क्लोन करते हैं, तो वो प्रोडक्ट भी किसी ना किसी ने जेम पे अपलोड कर रखा होता है। फ्रेश प्रोडक्ट आप अपलोड कर सकते हैं खुद भी, तो वो हम सीखने वाले हैं कि आप जेम पे फ्रेश प्रोडक्ट कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट आपके कहाँ कहाँ, ये ट्रिक आपको कहाँ कहाँ यूज आने वाली है, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल है जिनके पास OEM ऑथराइजेशन नहीं है, जो अपना खुद का काम करते हैं, जिनके पास कोई ब्रांड नहीं है, अनब्रांडेड काम करते हैं, तो वो लोग समझ सकते हैं, वो लोग सीख सकते हैं कि उनको अपना प्रोडक्ट जेम पे कैसे अपलोड करना है। ये वीडियो उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है जो लोग मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उनको पेयर नहीं करना चाहते हैं, बल्कि खुद की स्पेक्स के साथ फ्रेश प्रोडक्ट अपलोड करना चाहते हैं और खुद की प्राइस के साथ उसे अपलोड करना चाहते हैं। साथ ही साथ उन लोगों को भी ये वीडियो बेनिफिट करने वाली है जो लोग देखते हैं कि उनको एक प्रोडक्ट हायर साइड में पेयर करना है या क्लोन करना है, बट मार्केट में सबने प्राइस बहुत डाउन कर रखे हैं, तो आपका उसका क्या सॉल्यूशन है कि आप खुद अपना एक फ्रेश प्रोडक्ट मार्केट में अपलोड कर सकते हो। तो इसके दो तरीके होते हैं करने के। जैसे अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट अपलोड करना है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ पेन का, पेन की कैटेगरी आप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि पेन की कैटेगरी में आप चले गए हैं, बॉल पॉइंट पेन आप देखेंगे कैटेगरी में। मैं इंटर कर लेता हूँ इसकी जो मेन कैटेगरी है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक आपके पास ये ऑप्शन आता है सेल इन दिस कैटेगरी का, और दूसरा ऑप्शन आता है यहाँ से प्रोडक्ट एड न्यू ऑफरिंग का। तो प्रोडक्ट पे जाके एड न्यू ऑफरिंग जब आप करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, स्टार्टिंग से कैटेगरी डालनी पड़ती है, ठीक है। जब आप यहाँ पे डालेंगे तो सॉफ्टवेयर आपको सर्च करके दिखा देगा कौन सी कैटेगरी में आपको अपलोड करना है, तो जो भी आपकी कैटेगरी है आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना जो प्रोडक्ट अपलोड है उसे यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं बताऊंगा वो कैसे होगा। दूसरा जो प्रोसेस है इसका क्या है कि आप इसकी मेन कैटेगरी में जाइए, जैसे आप ये बॉल पॉइंट पेन है तो आप इसकी कैटेगरी ओपन कर लीजिए। जैसे मैंने ये ओपन करी इसकी मेन कैटेगरी, इजी वे यही है, आप उसमें कंफ्यूज ना हो, वहां पे कैटेगरी आपको सर्च करनी पड़ेगी, एंटर करनी पड़ेगी, सॉफ्टवेयर सजेशन देगा, उससे बढ़िया इजीएस्ट वे ये है कि आप मार्केट में जाइए, अपनी कैटेगरी सर्च करिए, उस कैटेगरी में जाइए जिसमें आपको अपना प्रोडक्ट अपलोड करना है, और यहाँ पे सेल इन दिस कैटेगरी का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। जब आप इस कैटेगरी पे सेलेक्ट कर देंगे तो ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपको उसी पेज पे ले जाएगा, बट फर्क ये है कि ये ऑटोमेटिकली खुद से ही सारी जो कैटेगरी है वो सेलेक्ट कर लेगा और आपको डायरेक्ट जो आपका मेन पेज है जहाँ पे आपको प्रोडक्ट अपलोड स्टार्ट करना है वो वहां पे ले आएगा आपको, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, पेन एक अपलोड करने वाले हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट को अपलोड करने से पहले
ये वो प्रोडक्ट हैं, आप देखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं, ये पियरी कार्डन का आपको पेन दिख रहा है, रोरेटो दिख रहा है, तो ये प्रोडक्ट भी किसी ना किसी ने अपलोड किए हैं। तो ये प्रोडक्ट आप कैसे अपलोड कर सकते हैं विदाउट ओईएम ऑथराइजेशन, और जिनके पास कोई मतलब ऑथराइजेशन नहीं है या जिनके पास अनब्रांडेड जो वर्क करना चाहते हैं, तो प्रोसेस सबका सेम है जो मैं बताने वाला हूँ, बस आपको इसी तरीके से स्टेप्स फॉलो करना है। तो कोई भी प्रोडक्ट आपको अपलोड करने से पहले आपके पास क्या चीजें होनी चाहिए, एक तो आपके पास उस प्रोडक्ट की 3 इमेजेस होनी चाहिए, 3 इमेजेस होने चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास एमआरपी प्रूफ होना चाहिए। एमआरपी प्रूफ आपका क्या हो सकता है कि या तो आप उस प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग के ऊपर प्राइस लिखा होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसका आप फोटो ले सकते हैं। नहीं है आपके पास किसी का एमआरपी प्रूफ का फोटो नहीं है, तो आप जीएसटी इनवॉइस भी लगा सकते हैं। अगर आपने वो प्रोडक्ट कहीं पे पहले जीएसटी बिलिंग करके किसी को सेल किया है, तो आप वो इनवॉइस भी अपलोड कर सकते हैं। अगर किसी के पास वो भी नहीं है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने लेटर हेड पे इस तरीके का फॉर्मेट जैसे मैंने प्रिपेयर किया है आपको दिखाने के लिए, जैसे मैं पैन का एग्जांपल लेने वाला हूँ, तो इस तरीके से आपका जो लेटर हेड है उस पे आप इस तरीके का लाइन दे के एमआरपी डिक्लेरेशन दे के नीचे लिख देंगे, आप ब्लू पेन जैसे मैंने डाला है, और एमआरपी लिख देंगे 10 रुपीज, और यहाँ पे आपको साइन स्टैम्प करना है। मैंने यहाँ पे साइन स्टैम्प नहीं किया है क्योंकि मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, शो कर रहा हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप साइन स्टैम्प कर देंगे और इस तरीके का एक आप एमआरपी डिक्लेरेशन आप कर देंगे, प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि अब जेम पे अगर आपको कोई प्रोडक्ट अपलोड करना है तो एमआरपी डिक्लेरेशन देना, एमआरपी प्रूफ देना मैंडेटरी है। तो इस तरीके से आप अपने लेटर हेड पे कर सकते हैं। एक क्वेश्चन लोगों को आ रहा होगा, आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि जो लेटर हेड है हमें यूज करना है, तो वो क्या उस कंपनी का लेटर हेड यूज करना है जिसपे जिसका हम प्रोडक्ट सेल करने वाले। अगर आपके पास वो है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास कंपनी से डिक्लेरेशन मिली हुई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिली हुई है तो आप अपने लेटर हेड पे भी उस एमआरपी प्रूफ को डिक्लेयर कर सकते हैं। और इस तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो प्रोडक्ट अपलोड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट क्या करना है, ब्रांड अनब्रांडेड सेलेक्ट करना है, या आपका कोई भी स्पेसिफिक ब्रांड है आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये पेन का एग्जांपल ले रहा हूँ, आपका जो भी प्रोडक्ट है सबका प्रोसेस सेम है। आप किसी को फर्नीचर करना है, किसी को क्वाड्रेंट 3 का कोई भी प्रोडक्ट करना है, या क्वाड्रेंट 4 का कोई भी प्रोडक्ट करना है, तो आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके अपना अपना प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा। इसकी सबसे आप लोगों को हेल्प करने के लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूँ कि जो आपको प्रॉब्लम ना आए, जैसे आपको पता लगे कि इन स्पेक्स को कैसे भरना है, आगे आप देखेंगे कि यहाँ पे स्पेक्स मांगी हुई है और आप बोलेंगे कि मेरे पास तो कोई स्पेक्स ही नहीं है, तो इसकी क्या ट्रिक है कि आप लोग क्या करें कि जिस भी कैटेगरी का आप प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं उसमें उस कैटेगरी में जाके एक प्रोडक्ट आप ओपन कर ले, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं बॉल पॉइंट पेन जो मैं अपलोड करने वाला हूँ वो उसके जो लोगों ने पहले ऑलरेडी किया हुआ है, आपका काम इजी करने के लिए मैं आपको ट्रैक बता रहा हूँ कि कैसे आप इजीली उसे कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, अनब्रांडेड में जाएंगे क्योंकि हम ये प्रोडक्ट अनब्रांडेड में करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, अनब्रांडेड का कोई भी एक प्रोडक्ट आप अपने सामने ओपन कर लीजिए, दूसरे टैब में ओपन कर लीजिए, जहां से आपको पता लगता रहे, जहां पे आपको वो पता लगता रहे कि आपको उस फील्ड में क्या डालना है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैं मार्केट में गया, उस कैटेगरी में गया, उस कैटेगरी में जाके मैंने अनब्रांडेड ब्रांड सेलेक्ट किया और अनब्रांडेड में से कोई भी मैंने एक जो प्रोडक्ट है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से कोई भी मैंने एक प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये मैंने इसलिए किया कि ताकि मैं जो प्रोडक्ट अपलोड करने वाला हूँ साथ साथ, तो वो मुझे अगर मेरे को कहीं पे समझ में नहीं आता है तो मैं इस प्रोडक्ट को देख के कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने हम लोग स्टार्ट करते हैं, टीसी बॉल टेप एमएम में मांगा है, तो इसमें आप देख सकते हैं क्या है, 0.5 है। तो आपके पास अगर कोई स्पेसिफिकेशन है अपनी तो आप वो डाल सकते हैं, वरना आप 0.5 mm डाल दें। राइटिंग लेंथ मीटर 0.5 मीटर इस प्रोडक्ट में है। अगर आपके पास कुछ है जो आपके पता है कि आपके प्रोडक्ट की वो है, या पेन है, चाहे वो जो भी आपका एप्लीकेबल प्रोडक्ट है, आप अपने हिसाब से अपनी जो फील्ड है वो वहां पे डाल सकते हैं। सेव एंड प्रोसीड आप करेंगे। जो अभी कोई आप प्रोडक्ट करते हैं अगर वो नहीं होता है सक्सेस, तो वो क्या होता है, ड्राफ्ट में चला जाता है, ये वाला नहीं गया, तो इसमें हम दोबारा से क्या करेंगे, सेल इन दिस कैटेगरी में जाएंगे। अगेन से वो पेज खुल गया, मैंने यहाँ पे अनब्रांडेड सेलेक्ट किया,
यहाँ पे मैंने टिप डाल दी 0.5 mm और राइटिंग लेंथ मीटर डाल दिया, सेव एंड प्रोसीड। अब सिस्टम इस तरीके का कुछ आपको ऑप्शन देगा, दिखाएगा कि इस तरीके के प्रोडक्ट ऑलरेडी जो आपने स्पेक्स डाली है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप उसमें से कोई पेयर करना चाहते हैं, तो आप एक नया प्रोडक्ट अपलोड करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, प्रोसीड विद न्यू आइटम करना है। ठीक है, प्रोसीड विद न्यू आइटम आप कर देंगे। मैं दोबारा से ये ओपन कर लेता हूँ। आप जब आप कुछ पेयर करते हैं, कुछ मार्केट से क्लोन करने की ट्राई करते हैं, तो या कोई नया प्रोडक्ट अपलोड करते हैं, तो आजकल जेम पे क्या होता है कि जेम के जो बाकी के जो पेज होते हैं, जो ओपन हो रखे हैं, वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाते हैं और वो आपको बाहर ला देता है सॉफ्टवेयर। तो मैं दोबारा से उस प्रोडक्ट को मैं ओपन कर ले रहा हूँ रेफरेंस के लिए। आप लोगों का जो भी प्रोडक्ट है, आप इसी तरीके से आप उसे फॉलो कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से आप अपने प्रोडक्ट, कोई भी जिस भी कैटेगरी का आपका एप्लीकेबल है, आपको क्या करना है, मार्केट में जाके एक प्रोडक्ट साथ में ओपन कर लेना है, आप जो आपको हेल्प करेगा उन प्रोडक्ट्स को अपलोड करने के लिए। तो ये प्रोडक्ट हमने ओपन किया हुआ था, तो आगे स्पेक्स आ गई है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि जैसे किस तरीके से इन्होंने हेडिंग डाली है, तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ अनब्रांडेड ब्लू बॉल पॉइंट पेन 0.5 है। तो इस तरीके से आप मॉडल दे सकते हैं, इसी को अगर प्रोडक्ट नेम जो आपका अगर कुछ है तो आप यहाँ पे सेम डाल सकते हैं, अगर नहीं आपके पास कुछ अलग नाम है तो आप यहाँ मॉडल नंबर पे अलग डाल सकते हैं, प्रोडक्ट नेम अलग कर सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल देने के लिए जस्ट आपको ये शो कर रहा हूँ, जो भी आपका एप्लीकेबल रहेगा आप उस तरीके से उसे कर सकते हैं। अगेन ये रिफ्रेश हो गया है और ड्राफ्टेड प्रोडक्ट में जाके मैं इसे खोल दे रहा हूँ। जो भी अगर आप कुछ प्रोडक्ट ओपन आप पेयर कर रहे हैं या कर रहे हैं, इस बीच अगर आपका वो पेज रिफ्रेश हो जाता है, तो आप ड्राफ्टेड प्रोडक्ट में जाके उसे दोबारा से वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ओपन किया और मैंने वो डिटेल्स दोबारा डाल दिए। अब आप यहाँ पे आपको क्या डालना है, कंट्री ऑफ ओरिजिन डालना है, कंट्री ऑफ ओरिजिन मैंने इंडिया डाल दिया। अब आपको यहाँ पे एमआरपी डालनी है, तो एमआरपी जो हमने प्रोडक्ट की, जो आपने लेटर हेड पे डाली है अपने प्रोडक्ट की एमआरपी, वो आपको डाल देनी है। मैंने 10 डाली है तो मैंने 10 डाल दिया। अब यहाँ पे आपको वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो आपने डिक्लेरेशन बनाया है, जैसे मैंने जो बनाया था 10 रुपीज का, मैं उसे अपलोड कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे मेरे को प्राइस डालना है, 10% कम प्राइस डालना होता है, जैसे आप लोगों को पता है कि जो भी आपको एमआरपी है उसे 10% आपको कम प्राइस डालना है, मैंने यहाँ पे 7 डाल दिया। और आपको लोकेशन सेलेक्ट करनी है, जैसे मैंने दिल्ली सेलेक्ट करी। स्टॉक आपको फिल करना है, मिनिमम क्वांटिटी पर कंसाइनी आपको फिल करना है, और लीड परचेज डेट आपको डाल के अंडरटेकिंग दे के आपको उसे सेव कर देना। अब आपके पास दोबारा स्पेक्स वाला एक पेज खुल जाता है। अब आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे आपको क्या भरना है, तो इसके लिए हमने क्या करा हुआ है, ऑलरेडी एक प्रोडक्ट अपने अपलोड किया हुआ है कि हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं कि लोगों ने कैसे किया हुआ है, या किसी ने जो पहले प्रोडक्ट अपलोड किए हैं वो कैसे किए हैं जो पब्लिश हो रखे हैं। तो ये क्या करेगा, आपको ईजी करेगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे किस तरीके से आपको करना है, और इजिली आप फिल कर पाएंगे और अपना प्रोडक्ट आप मार्केट में अपलोड कर पाएंगे। तो जैसे इसमें टाइप ऑफ इंक मांगी गई है, तो इसमें मैं ऑयल बेस्ड डाल दे रहा हूँ जो इन्होंने डाली है। ये जस्ट मैं एग्जाम्पल के लिए आपको ये सारे ट्रिक्स बता रहा हूँ। आपके पास अगर अपने प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस हैं तो आप वो डाल सकते हैं। मैं खाली एक जस्ट आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ किस तरीके से आप इजीली इस चीज को कर सकते हैं। बट जिन लोगों के पास, जिन दोस्तों के पास अपना प्रोडक्ट है, जिनके पास पूरी स्पेसिफिकेशन है, तो आपके लिए जो भी एप्लीकेबल प्रोडक्ट पैरामीटर्स हैं आप अपने हिसाब से फिल करिएगा। मैं खाली आपको एक एग्जाम्पल के लिए ये सारा दिखा रहा हूँ। बॉल पॉइंट पेन, तो मैंने क्या किया है, जो जो फील्ड उस ऑलरेडी एक सेलर ने डाली हुई थी, मैंने वो जस्ट ऑलमोस्ट कॉपी करके मैंने इसे प्रोसेस कर दिया है। और इसमें दोबारा से एक डॉक्यूमेंट मांग रहा है, तो इसमें आप एनी अदर डॉक्यूमेंट करके सेम वही एमआरपी का जो आपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया था उसको दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। सेव प्रोसीड करेंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप है अपना, जो आपको इमेजेस, 3 इमेजेस आपको अपलोड करनी है, तो मैंने 3 इमेजेस यहाँ पे प्रिपेयर कर रखी है, तो आप इसी तरीके से अपने प्रोडक्ट की 3 इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। सर्टिफाई करेंगे, सेव एंड प्रोसीड।
ध्यान रहे, जो भी आप कोई इमेजेस ले रहे हैं, अगर आप कोई अनब्रांडेड प्रोडक्ट डाल रहे हैं और आप जो इमेजेस सेलेक्ट कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के लिए, तो उस प्रोडक्ट की जो इमेजेस आप ले रहे हैं तो उसमें ना कहीं पे किसी का ब्रांड ना लिखा हो। उससे होता क्या है कि जेम रिजेक्ट कर देता है। तो आप मेक श्योर करें कि जब आप वो इमेजेस सेलेक्ट कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को अपलोड करने के लिए, तो उसमें किसी भी ब्रांड नेम कहीं पे मेंशन ना हो या विजिबल ना हो, तो वो आपका जो काम है थोड़ा इजीली हो जाएगा। जैसे मैंने ये पब्लिश कर दिया, तो इसी तरीके से आप लोग ये प्रोडक्ट आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने पब्लिश कर दिया, ये वेटिंग फॉर एडमिन क्लियरेंस में चला गया, तो आप देखेंगे कि 1 या 2 दिन में ये पब्लिश हो जाएगा। कुछ चांसेस होते हैं, कभी कभार इसमें डिस्क्रिपेंसी आती है, तो आपको नॉर्मल क्या करना है कि जो भी अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आएगी तो ये प्रोडक्ट नोटिफाइड में चला जाएगा। नोटिफाइड में चला जाएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे शो रीजंस, जो भी एडमिन ने आपको रिजेक्ट करने करा है, जिस वजह से किया है, आपको खाली उसको फॉलो करना है, उसका जो रिजेक्शन का रीजन है उसे चेज करना है और वहां पे सही एंट्री करनी है। जैसे यहाँ पे BIS नंबर मांगा है, तो जैसे अगर कहीं पे आपके वाले प्रोडक्ट में जो भी एप्लीकेबल, जो भी आपसे पूछा गया है, आपको खाली उसको करेक्ट करना है। कहीं पे सर्टिफिकेशन है तो आप सर्टिफिकेशन नंबर डाल सकते हैं, अपना उद्यम नंबर डाल सकते हैं, या कहीं पे कुछ ऐसी फील्ड्स आती हैं, जैसे हमने जो प्रोडक्ट है वो हमने कलर हमने चूज कर लिया ब्लू कलर, बट आप जो इमेजेस कर रहे हैं वो रेड कलर की थी, तो हो सकता है कि उस वजह से भी रिजेक्शन आ जाएगी। बट आपको क्या करना है, जस्ट उसको फॉलो करना है, आप उसे उसको जो भी आपके पास डिस्क्रिपेंसी आई है उसे अपडेट कर दें और उसे ओके कर दें और दोबारा से उसे पब्लिश कर दें, तो वो आपका जो प्रोडक्ट है आप देखेंगे 1 या 2 दिन के अंदर आपका वो प्रोडक्ट लाइव हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोग आपका जो भी प्रोडक्ट है, चाहे वो पेन है, चाहे क्वाड्रेंट 3 का कोई भी प्रोडक्ट है, फर्नीचर है, टेबल है, चेयर है, तो सेम स्टेप है, इसी तरीके से आप वो अपलोड कर सकते हैं। किसी भी ऑथराइजेशन की आपको जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जस्ट उसकी इमेजेस आपको प्रिपेयर करनी है और उसका एक MRP प्रूफ प्रिपेयर करना है, और आपको स्पेक्स डाल के इसी तरह से तरीके से आपको वो प्रोडक्ट सिमिलर उसी रेलिवेंट कैटेगरी में अपलोड कर देना है। अपना काम आसान करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, एक प्रोडक्ट आप साथ में खोल लें, मार्केट में जो अनब्रांडेड प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको आप अपने रेफरेंस के लिए ले लें, तो आप उसमें आपको आइडिया मिलता जाएगा कि कौन से पैरामीटर में आपको क्या फिल कर। तो ये हमने आज सीखा कि जेम पे नया प्रोडक्ट कैसे अपलोड कर सकते हैं आप लोग। अपने अपने जो आपके प्रोडक्ट हैं इसी तरीके को आप फॉलो करके, जो भी आपकी कैटेगरीज हैं, जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, प्रोसीजर सब में सेम है, इसी तरीके से आपको फॉलो करना है और आपका जो प्रोडक्ट है वो within 2 to 3 days वो आपका पब्लिश हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पे वीडियोस लेके आए हैं, जो आपको जेम पे प्रॉब्लम आ रहा है या इश्यूज आप फेस कर रहे हैं जेम पे, तो आप कमेंट करके हमें बताइए, हम उन टॉपिक्स पे वीडियो लेके आएंगे आपके लिए और ट्राई करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स को हम जल्द से जल्द सॉल्व कर सकें। इस तरीके की वीडियोज आप तक पहुँचती रहे, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।